हेलो एवरीवन, ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए 2 महीने का रहा, मार्च में आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हुई और मार्च में एग्जाम्स खत्म होने के बाद से लेके अब तक ये जो 2-2.5 महीने का टाइम पीरियड रहा, ये हर एक स्टूडेंट के लिए 10th स्टैंडर्ड के बाद बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो आप लोग सोचोगे कि इसमें चैलेंजिंग क्या? अब स्टूडेंट्स, इसमें चैलेंज ये रहता है कि जब आप लोग अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हो तब आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। आप लोग सोचेंगे ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है हमारे सामने? तो स्टूडेंट, वो जो क्वेश्चन आपके सामने होता है 10th स्टैंडर्ड के बाद का, कि हम लोग कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो ऑप्शंस थे, या तो आप साइंस ले सकते थे, या आप कॉमर्स ले सकते थे, या आप आर्ट्स ले सकते थे, या आप डिप्लोमा में जा सकते थे। एंड फाइनली यू टुक द डिसीजन टू टेक कॉमर्स। मे बी यू टुक एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, आपने अपने पेरेंट्स की एडवाइस ली होगी, आपने अपने फ्रेंड्स की एडवाइस ली होगी, आपने अपने रिलेटिव्स की एडवाइस ली होगी, या आपके बड़े भाई बहन होंगे जिन्होंने पहले से कॉमर्स लिया होगा, आपने उनकी एडवाइस ली होगी। एंड विद देयर एडवाइस, स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा होता है कि हम लोगों को कॉमर्स में जाना है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लोग डिसाइसिव नहीं होते हैं, वो आर अनेबल टू टेक डिसीजन कि हम लोगों को कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए। तब उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं, उनके रिलेटिव्स उनको गाइड करते हैं, उनके ग्रुप में आपके सर्कल के अंदर कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो कॉमर्स में से सीए बना होगा, एमबीए बना होगा, वो लोग आपको गाइड करते हैं। और उनके गाइडेंस से आप सब लोगों ने डिसाइड किया है कि यू वांट टू सेलेक्ट कॉमर्स। अब स्टूडेंट्स, कॉमर्स क्या है? स्टूडेंट्स, कॉमर्स एक वर्ड नहीं है, कॉमर्स एक पूरा वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया है। स्टूडेंट्स, आज से लगभग 400 साल पहले जब भी किसी चीज़ का इन्वेंशन किया जाता था तो उस चीज़ को मार्केट में आने में 5 से 10 साल लगते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कॉमर्स नहीं था, उस टाइम पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो आज हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ कॉमर्स लेके आया है। तो उस टाइम पे उन चीज़ों को मार्केट में आने में 5-5, 10-10 साल लग जाते थे। लेकिन आज स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ जब मार्केट में नहीं आती है, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, वो विद इन 2 months, 3 months, 5 months वो आप लोगों तक पहुंच जाती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, किसी भी तरीके का एडवांस फ़ोन हो, किसी भी तरीके का एडवांस लैपटॉप हो, हर चीज़ आपके पास 5 से 10 महीने में आ जाती है। क्यों आती है वो स्टूडेंट्स? किसकी वजह से? दैट इज़ ड्यू टू कॉमर्स। स्टूडेंट्स, साइंस का जो काम है ना, वो चीज़ों को इन्वेंट करना है, लेकिन उन चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचाने का काम वो कॉमर्स करता है। कॉमर्स के अंदर ही वो ताकत है कि जो चीज़ें साइंस ने इन्वेंट की हैं उन चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचा सके। क्योंकि स्टूडेंट्स, भले इन्वेंशन कोई ना कोई साइंटिस्ट करता है, लेकिन उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का, उस चीज़ को बनाने का जो काम है वो एक बिजनेसमैन करता है, और वो बिजनेसमैन कॉमर्स है। उस प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाया जाता है। स्टूडेंट, आप सोचो कि आप लोग कभी अमेजोन पे बैठ के किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं और वो 4 से 5 दिन के अंदर वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है, वो कैसे आती है? वो कॉमर्स की वजह से आती है। आज आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं, ये कॉमर्स है। आप लोग बैंक में जाते हैं पैसा डिपॉजिट करने के लिए, पैसा विड्रॉ करने के लिए, वो कॉमर्स है। आप लोग आज कई सारे गुड्स बाहर से मंगवाते हैं, वो गुड्स आपके पास आते हैं, वो कैसे आते हैं? कॉमर्स है। तो स्टूडेंट्स, कॉमर्स एक वर्ड नहीं है, कॉमर्स एक पूरी वर्ल्ड है। हम लोग जब सुबह में उठते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम हम लोग ब्रश करते हैं। वो ब्रश इन्वेंट साइंस ने किया, लेकिन उस ब्रश को आप तक पहुंचाने का काम कॉमर्स ने किया। आज स्टूडेंट्स, कॉमर्स की वजह से ही हम लोग जिन चीज़ों को भी डेवलप कर रहे हैं, जिन चीज़ों को साइंस इन्वेंट कर रहा है, उन चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचाने का जो काम है वो कॉमर्स करता है। तो स्टूडेंट्स, कॉमर्स एक वर्ड नहीं है, ये एक वर्ल्ड है। आप लोगों के पास एक कैरियर काउंसलिंग का वीडियो आया होगा जिसमें आप लोगों को ये पता चला होगा कि कॉमर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किन ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे आपके पास एक दो नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है आपके पेरेंट्स ने आपको गाइड किया होता है कि तुमको कॉमर्स लेके सीए करना है, तो
तुमको कॉमर्स लेके एमबीए करना है, तुमको कॉमर्स लेके कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तुमको कॉमर्स लेके लॉयर बनना है, ये डिसीजन आप लोगों का है। लेकिन ये जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोगों को कॉमर्स लेना है, ये आप लोगों ने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है, बिकॉज ये ऐसा फील्ड है जो आपको कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको कॉमर्स तो बता दिया, आप जब किसी बैंक में जाते हो वो कॉमर्स है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो वो कॉमर्स है, आप लोग जब गुजरात से बाहर या गुजरात के अंदर ही कहीं घूमने के लिए जाते हो तो आप लोग बसेस का, ट्रेन का, प्लेन की फैसिलिटी यूज़ करते हो, वो कॉमर्स है। आप लोग जब बाहर घूमने के लिए जाते हो तो होटल्स में स्टे करते हो, वो कॉमर्स है। मतलब हम लोग पूरे के पूरे कॉमर्स से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी कॉमर्स से कनेक्टेड है। अब स्टूडेंट्स, ये तो हुआ कॉमर्स फील्ड के बारे में बात। अब स्टूडेंट्स, हम लोग कॉमर्स फील्ड के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, कॉमर्स फील्ड में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे। आप लोगों ने बचपन से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े, मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, सोशल स्टडीज़ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, गुजराती पढ़ा, हिंदी पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा, उसमें से कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके रिपीट होंगे, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए नए होंगे। बट स्टूडेंट्स, जब कुछ नई चीज़ होती है ना, तो उसको सीखने का मज़ा कुछ और होता है, उसको एक एक्साइटमेंट के साथ सीखना होता है कि वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। तो ये जो नए सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको नई चीज़ें सिखाएंगे, आप लोगों की सोच को दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, कॉमर्स इकलौता ऐसा फील्ड है जो हर चीज़ को प्रैक्टिकली करता है, तो इसीलिए आप लोगों की जो सब्जेक्ट्स होंगे ना, वो आप लोगों के सब्जेक्ट्स आपको मटीरियलिस्टिक नहीं, मतलब सिर्फ बुकिश नहीं, लेकिन वो सब्जेक्ट्स आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। अब स्टूडेंट्स, कॉमर्स में जो कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे वो आपका इंग्लिश, गुजराती और हिंदी एंड कंप्यूटर, ये आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स कॉमन रहेंगे। बट 4 सब्जेक्ट्स विल बी न्यू फॉर यू, ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नए होंगे, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आउट ऑफ दैट स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, इसको एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है, कभी कभी इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग भी बोला जाता है। ये सारे नाम अकाउंट्स के ही हैं। स्टूडेंट, अकाउंट्स आप लोगों ने मे बी अपनी लाइफ में पहली बार सुना होगा, या अपने पेरेंट्स से आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना होगा। स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपके लिए नया है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके लिए नया नहीं है। अब आप लोग सोचोगे कि सर, ये वर्ड तो हम लोगों ने पहली बार सुना है, या मे बी हम लोगों ने 4-5 बार सुना होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारे लिए पुराना कैसे हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स, ये वर्ड भले आप लोगों के लिए नया है, लेकिन ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए पुराना है। अब वो सब्जेक्ट आपके लिए पुराना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपया दिया, और 500 रुपया दे के आपको एक लिस्ट दी कि ये लिस्ट लेके जाओ और मार्केट से सामान लेके आओ। आप सामान लेके घर पे आए, आपने सामान मम्मी को दिया, मम्मी ने बोला बेटा 500 रुपये कहाँ गए। आपने बोला कि मम्मी 500 रुपये में से 100 रुपये का ब्रेड एंड बटर आया, 100 रुपये की वेजिटेबल्स आई, 100 रुपये के फ्रूट्स आए, 100 रुपये का दूध आया, और 100 रुपये का मैंने पेट्रोल भरवाया। ये आपके हो गए टोटल 500 रुपये। आपने मम्मी को आके, जो मम्मी ने आपको 500 रुपया दिया था, वो मम्मी के 500 रुपये का, या पापा ने आपको 500 रुपया दिया था, आपने घर पे आके मम्मी को वो 500 रुपये का हिसाब दिया, एंड दैट हिसाब इज अकाउंटेंसी। यही हमारा अकाउंट्स है, जो हम लोग सालों से करते आ रहे हैं।
मेरे हिसाब से आपके मम्मी के साथ या मम्मी ने आपको कई बार मार्केट में भेजा होगा और आप कई बार सामान लेके आए होंगे और कई बार आके मम्मी को आपने ये हिसाब दिया होगा। ये हिसाब हमारा अकाउंट्स है। सिर्फ फर्क इतना है स्टूडेंट्स कि ये जो हम लोग मम्मी को रफ में लिख के देते थे, एक छोटी से पर्ची पे लिख के देते थे, मम्मी 100 रुपए वेजिटेबल वाले ने ले लिया, मम्मी 100 रुपए फ्रूट वाले ने ले लिया, मम्मी 100 रुपए का पेट्रोल आया, हम छोटी से पर्ची पे लिख के मम्मी को दे देते थे। लेकिन अब हमको उस छोटी से पर्ची पे नहीं लिखना है, अब हमको उसको सिर्फ सिस्टमेटिक वे में लिखना है। तो स्टूडेंट वर्ड नया है हमारे लिए, अकाउंट्स वर्ड नया है, लेकिन काम तो बुरा नहीं है ना। वो काम तो पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं, वो काम तो पहले भी हमारे मम्मी पापा करते आ रहे हैं, वो काम तो हम लोग भी पहले से करते आ रहे हैं। कई बार आप लोग ग्रुप में कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं वहां पे। आप लोग क्या करते हैं, सब लोग 100-100 रुपए निकालते हैं, फिर पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद आप लोग लास्ट में हिसाब करने के लिए बैठते हैं कि भाई 10 लोग हैं, 100 × 10 1000 रुपया आया, 800 रुपए का खर्चा हुआ, 200 रुपया बचा, सबको बांट दिया। ये अकाउंट्स है जो हम लोग हमारी रेगुलर लाइफ में करते ही हैं। लेकिन फर्क इतना है कि अब हमको उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना और पढ़ना हम लोगों को सीखना है। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए भले ये सब्जेक्ट का नाम नया है, चाहे आप उसको अकाउंट्स बोलो, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स बोलो, डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलो, ये नाम नया है लेकिन इसका फंक्शन पुराना है। स्टूडेंट्स अकाउंट्स जो बनाया जाता है, अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेसमैन। अकाउंट जो बनाया जाता है ना, वो हमेशा बिजनेसमैन बनाता है। अब स्टूडेंट होता क्या है कि बिजनेसमैन पूरे दिन में कई सारी एक्टिविटीज करता है। वो कभी कहीं से गुड्स खरीदता है, किसी को गुड्स बेचता है, किसी को वो पगार देता है, कभी बैंक में पैसा भरता है, ये कई सारी एक्टिविटीज करता है। अब वो इतनी सारी एक्टिविटीज को कैसे याद रखेगा, तो वो क्या करता है बिजनेसमैन, उस हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है स्टूडेंट, उसका रिकॉर्डिंग करता है, एंड दैट रिकॉर्डिंग इज कंसिडर्ड एज अकाउंट्स। जो भी पूरे दिन भर के अंदर एक बिजनेसमैन ने जितनी भी एक्टिविटीज की, जहां से गुड्स खरीदा, जिसको गुड्स बेचा, किसी को पगार दिया, जो भी एक्टिविटीज की, उस एक एक एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करेगा और उसी रिकॉर्डिंग को हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, हमारे इंडिया के अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं, जो बिजनेसमैन अकाउंट बनाता है, वो अकाउंट 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का वो अकाउंट्स बनाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट के, जो भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन जो अपना अकाउंट्स बनाते हैं वो 1 साल का बनाते हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में शुरू होता है। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, सपोज उसने 25 अप्रैल को 25,000 के गुड्स परचेस किए, 25,000 रुपए के गुड्स परचेस किए, अगर वो अकाउंट नहीं बनाता है तो क्या उसको 31 मार्च पे ये ट्रांजेक्शन याद रहेगा? स्टूडेंट कहां से याद रहेगा, हम लोगों ने सुबह में कोई एक्टिविटी की होती है वो रात तक याद नहीं रहती है, तो 25 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन किया गया था वो 31 मार्च तक कैसे याद रहेगा? तो इसीलिए स्टूडेंट क्या किया जाता है, हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, डेली बेसिस पे वो जितनी भी एक्टिविटीज करता है उस हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है डे बाय डे। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 30 अप्रैल, 15 मई, 30 जून, हर एक डेट पे उसने जो जो एक्टिविटियां की होती हैं वो एक एक एक्टिविटी को 31 मार्च तक की हर एक एक्टिविटी को वो अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, हर एक एक्टिविटी को वो लिखता है, ताकि 31 मार्च पे जब उसका ईयर कंप्लीट हुआ तब उसके पास पूरा का पूरा हिसाब, तब उसको ये पता चले कि पूरे ईयर के दौरान मैंने टोटल कितने गुड्स खरीदे, पूरे ईयर में मैंने कितने गुड्स बेचे, पूरे ईयर में मैंने कितना लाइट का बिल भरा, पूरे ईयर में मैंने कितना वर्कर्स को सैलरी पे किया, और लास्ट में स्टूडेंट हम लोग जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के पीछे हमारा जो मेन पर्पस होता है वो मेन पर्पस होता है प्रॉफिट। तो 1 साल के अकाउंट्स बनाने के बाद
उसको ये पता चलता है बिजनेसमैन को कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। इसीलिए वो हर डेट वाइज हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और 31 मार्च पे उस एक्टिविटीज में से वो ये एनालिसिस निकालता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ताकि उसको पता चले कि अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो कुछ नया करना पड़ेगा या मुझे बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। अगर बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है अच्छी बात है, उसको चलने दो। तो ये जो डिसीजंस लेने होते हैं एक बिजनेसमैन को, ये डिसीजन लेने के लिए हम लोगों को हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है और उसी रिकॉर्डिंग को हम लोग स्टूडेंट अकाउंट्स कहते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट अकाउंट्स क्या है उसका इंट्रोडक्शन लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अकाउंट की मीनिंग और अकाउंट्स के क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे।